कश्ती भी नहीं बदली, दरिया भी नहीं बदला, कश्ती भी नहीं बदली, दरिया भी नहीं बदला, हम डूबने वालों का जज्बा भी नहीं बदला, है शौके सफ़र ऐसा एक उम्र हुई हमने, है शौके सफ़र ऐसा एक उम्र हुई हमने, मंजिल भी नहीं पाई, रास्ता भी नहीं बदला। दोस्तों स्वागत है आप सभी का ऑफिसर्स ऑन ड्यूटी में। मेरा नाम है आकाश अग्रवाल, मैं सिविल सेवा परीक्षा 2017 में चयनित हुआ हूँ और 2018 बैच में इंडियन रिवेन्यू सर्विस मुझे अलॉट की गई और मैं अभी भारतीय राजस्व सेवा में सेवाएं दे रहा हूँ। अभी फ़िलहाल में मेरी पोस्टिंग एज एन असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स रिव्यू यूनिट 131 उज्जैन में है। मेरा जन्म जो है इंदौर में हुआ है, मेरी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर से जवाहर नवोदय विद्यालय मानपुर से हुई है। वहाँ मैं 2002 में गया था छठवीं क्लास में। जवाहर नवोदय विद्यालय में आपको चयन होने के लिए एक परीक्षा देनी पड़ती है पाँचवीं क्लास में और वहाँ पे आप छठवीं क्लास से बारहवीं तक पढ़ाई करते हैं, लेकिन मैंने छठवीं से दसवीं तक ही पढ़ाई की थी और पढ़ाई में मैं शुरू से ही अच्छा रहा हूँ, तो हमेशा ही क्लास में पहली या दूसरी पोजीशन मुझे मिलती रही थी। तो दसवीं क्लास में मैं वहाँ से निकल गया था और उसके बाद मैंने आईआईटी जेई के लिए तैयारी शुरू की थी। दसवीं बोर्ड होती है और दसवीं बोर्ड देने के बाद मैं और मेरे कुछ एक दो दोस्तों में कुछ क्यूरियोसिटी बनी हुई थी जो कि हमने पहले पढ़ाई की थी। अब जैसा कि साइंस वाले बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स को एस्पिरेंट्स को पता होगा कि H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन देता है जब आप उसे वाटर में मिलाओ ना, तो वो जो क्यूरियोसिटी थी वो प्रैक्टिकल करने की वो हम में शुरू से बनी हुई थी। तो एट द एंड ऑफ द बोर्ड एग्जामिनेशन वी बेसिकली ब्रोक डाउन इनटू द केमिस्ट्री लैब एंड आई थिंक दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट ऑफ माय लाइफ एंड एवरीथिंग इज स्टार्टेड फ्रॉम देयर। तो हमने वो मैंने और मेरे एक दो दोस्तों ने मिल के केमिस्ट्री लैब में विंडो ब्रेक की, देन हम अंदर गए, वहाँ पे वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। वो जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन और वो तो हम देख नहीं पाए बट हम डर भी रहे थे, तो फिर हम आ गए घबरा के वापस, पर दिस समहाउ देन वी वर कमिंग बैक फ्रॉम द लैब। वो वैसा है ना कि आप चोरी करने जाओ और जब पता चले कि यार पुलिस का ही वॉलेट आपने चुराया है तो आप वापस रखने जाते हो, जब रखने जाते हो तो पता चलता है कि वो देख लेता है तो पूरी कहानी गड़बड़ हो जाती है। तो इस तरीके का ही कुछ आप समझिए कि जब हम केमिस्ट्री लैब से लौट रहे थे वो करके, तो हमें एक आर्ट के टीचर मिल गए और उन्होंने पूछा कि यार भरी भरी संडे में तुम लोग क्या कर रहे हो केमिस्ट्री लैब में, ताला तो लगा हुआ है। और वहाँ से फिर वो प्रिंसिपल के पास ले गए और वो चीज़ें शुरू हुई। तो दिस वॉज अ एक्साइटेड एंड टर्निंग पॉइंट मोमेंट। उसके बाद फिर मैंने नवोदय से निकल के 11वीं 12वीं डमी किया मध्य प्रदेश बोर्ड से। उसमें मैंने 11वीं 12वीं का समय अपना जो है परीक्षा की तैयारी के लिए दिया आईआईटी जेई के लिए, और उसके बाद में 2010 में आईआईटी जेई में चयनित हुआ और मुझे आईआईटी मुंबई अलॉट किया गया। तो जो 2007 में हमने वो टर्निंग पॉइंट की जिसकी मैंने बात की, तो वो मोमेंट से लेकर 2010 तीन साल का पीरियड जो है काफ़ी टुमल्चुअस एंड काफ़ी हार्ड वर्किंग, काफ़ी कुछ सीखा मैंने वेस टाइप का रहा। लेकिन 10 में जब मैं देखता हूँ तो मेरे पास दो कॉलेज के ऑफ़र थे, आईआईटी बॉम्बे का भी और आईआईटी मद्रास का भी, एंड देन आई फाइनली चूज टू गो टू आईआईटी मुंबई विथ इंजीनियरिंग फिजिक्स ब्रांच इन 2010। बहुत ही ज़्यादा सरीन प्लेस है आईआईटी बॉम्बे, द कैंपस इज़ वास्ट, वेरी लॉन्ग, वेरी वास्ट, 550 acres ऑफ कैंपस, पवई लेक इज़ देयर, इट्स अ सीरीन प्लेस, इट्स अ प्लेस टू बी। आई थिंक जस्ट लाइक पीपल हु आर प्रिपेरिंग फॉर सिविल सर्विसेज, लबासना इज़ अ प्लेस, सो पीपल हु आर प्रिपेरिंग फॉर आईआईटी जेई, आई बिलीव आईआईटी बॉम्बे इज़ द प्लेस। दे ड्रीम अबाउट इट, दे लिव अबाउट इट, दे पुट पोस्टर ऑन देयर वॉल बिकॉज इट जस्ट अनदर वर्ल्ड। 2010 में जुलाई में जब मैं वहाँ गया, तो जब एक बच्चा तीन साल तैयारी करके जाता है तो ही इज़ वेरी हंग्री, तो आई वॉज ऑल्सो हंग्री, आई वॉज हंग्री फॉर अपॉर्चुनिटीज़, आई वॉज हंग्री फॉर माई फ्रीडम, फॉर इंडिपेंडेंस। सो पढ़ाई एक बैक बर्नर पर चली जाती है, तो पहले दो महीने तो आप एक ऑ में रहते हैं, यू हैव दैट एग्ज्यूबरेंस, यू हैव दैट एनर्जी। तो
हमारा 2010 में जो आईटी बॉम्बे का सबसे पहले ओरिएंटेशन होता है, फर्स्ट ईयर के बच्चे आते हैं तो जो सीनियर्स हैं वो ओरिएंटेशन देते हैं, वेलकम करते हैं। तो वहाँ कई चीज़ें पता चली, नए नए क्लब्स के बारे में पता चला, एस्ट्रोनॉमी क्लब, रोबोटिक क्लब, ड्रामेटिक क्लब, स्पोर्ट्स क्लब, माउंटेनियरिंग क्लब एंड वॉट नॉट। तो वहाँ धीरे धीरे पार्टिसिपेट करना शुरू किया, कई अपॉर्चुनिटीज़ को तलाशना शुरू किया और क्या इंटरेस्ट हैं उसके बारे में देखा मैंने, उसके बारे में जाना। मेरी ब्रांच यहाँ पे थी इंजीनियरिंग फिजिक्स। नाउ इट वाज क्वाइट टफ, इट वाज नॉट इजी टू से द लीस्ट, इट वाज वेरी टफ। एंड जब आप जाते हो तो व्हेन आई वाज एक्सप्लोरिंग अदर थिंग्स समवेयर आई फेल्ट दैट कि एकेडमिक टुक अ बैक सीट। एंड मुझे पहले ही साल में 8 कोर्सेस में से 7 में बैकलॉग थे, टू टेल यू 7-5 में बैकलॉग थे और 2 मैंने ड्रॉप कर दिए थे, तो 7 हो गए। और एक जो बचा था जो कि मैंने निकाला था वो था ह्यूमैनिटी का कोर्स, उसमें मेरी SPI बनती है, सेमेस्टर परफॉर्मेंस इंडेक्स, वो बनी थी 1.23 समथिंग, विच आई एम नॉट प्राउड ऑफ राइट नाउ, बट दैट टाइम ऑल्सो आई गॉट स्कैड कि यार आप हमेशा टॉपर रहे हो और आप एक कोर्स में ही पास हो रहे हो और ये SPI आपकी बन रही है। बट नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट इट और व्हेन आई लुक एट इट, इट सीम्स फनी, इट फील्स लाइक अ स्टोरी, बट दैट टाइम पर्सन हु वाज ऑलवेज अ टॉपर और एटलीस्ट फर्स्ट और सेकंड रैंकर, इट वाज अ बिट सेटबैक फॉर मी। बट सेकंड थर्ड ईयर भी आते आते, सेकंड ईयर एटलीस्ट लास्ट आते आते ऑलमोस्ट 8-9 बैकलॉग मेरे थे और फाइनली मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं डिग्री जो है मेरी एक्सटेंड होगी पक्का। बट वो इट यू नो समवेयर इट इज़ रिटर्न, इट इज़ सेड कि एडवर्सिटी में योर स्ट्रेंथ आर टेस्टेड। तो इन दैट एडवर्सिटी, इन दैट मोमेंट आई थिंक माय सबकॉन्शियस और सम डिवाइन पावर टुक ओवर एंड आई टुक इट अपॉन माई सेल्फ कि देर इज़ नो वर्ल्ड नथिंग, इट जस्ट आई टू गेट द डिग्री ऑन टाइम, दैट्स इट। UPSC और उस टाइम तो कुछ मुझे पता भी नहीं था, ना ही मैं कभी सोचता था उस बारे में। ये दिस आई एम टॉकिंग अबाउट सेकंड और थर्ड ईयर ऑफ IIT। द ओनली गोल विच आई हैव इज़ टू गेट द डिग्री ऑन टाइम। 2014 में मुझे मिलने वाली थी एंड 2011 या 12 में मैं बस यही सोच रहा था कि मेरी बैकलॉग निकल जाए और मुझे बस डिग्री चाहिए और अच्छा सा प्लेसमेंट चाहिए। यू बींग फ्रॉम IIT, मैंने लोन भी लिया था 4 लाख समथिंग का फॉर एजुकेशन, सो आई थॉट कि लोन पूरा हो जाएगा एंड देन वील लिव अ बेटर लाइफ इन आफ्टर प्लेसमेंट। तो 2011-12-13 थर्ड ईयर आते आते मैंने समर कोर्सेस करे, मैं घर उस टाइम नहीं गया था, विंटर कोर्सेस करे, उस टाइम भी मैं छुट्टी पे घर नहीं गया था, तो ऑलमोस्ट 2 ईयर्स मैं घर नहीं गया और मैंने सारे जो बैकलॉग थे 2014 आते आते मेरे फाइनल ईयर में मैंने कम्प्लीट करे। और 9 अगस्त 2014, आई कैन डिस्टिंक्टली रिमेंबर इट, 9 अगस्त 2014 को मैंने अपनी डिग्री बाकी के मेरे बैचमेट्स के साथ पूरी करी एंड आई वॉज हैप्पी। एंड इसके साथ ही एक और चीज़ थी कि मुझे पढ़ाने का एंड अकेडमिक्स में शुरू से ही शौक रहा है, तो सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स जब मैं कॉलेज में IIT में था तो सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स से ही मैं IIT JEE के लिए एज अ फैकल्टी भी पढ़ा रहा था पार्ट टाइम। वहाँ पे मुंबई में IIT स्पेस अकेडमी नाम से एक अकेडमी है जो कि IIT JEE के लिए कोचिंग देती है, तो उसमें मैं सेकेंड ईयर से पार्ट टाइम पढ़ा रहा था ओलंपियाड्स के लिए और इंटरनेशनल मैथ ओलंपियाड, साइंस ओलंपियाड और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, तो उससे एक मेरी पॉकेट मनी भी बन रही थी। तो आई थिंक कि सबसे पहली जो मेरी तनख्वाह है वो 2011 या 12 में ही आई थी जब मैं एज अ पार्ट टाइम पॉकेट मनी के लिए IIT JEE में पढ़ा रहा था। एंड दैट टाइम आई थिंक आई गेव माई मदर और फादर 15,000 rupees, सो दैट वॉज अ वेरी गुड मेमोरी दैट आई हैव। आई थिंक दैट वॉज वेरी फर्स्ट टाइम दैट आई गेव समथिंग टू माई पेरेंट्स। बाकी तो हम कॉलेज में पॉकेट मनी और उसके लिए मांगते ही हैं पेरेंट्स, बट दैट फील्स रियली गुड नाउ। फोर्थ ईयर आते आते मेरी CPI जो थी, यू विल नॉट बिलीव इट, एंड 6.05 पे मैंने फाइनली फिर ग्रेजुएशन में डिग्री ली 9 अगस्त 2014 को। सो 6 पॉइंट के साथ आपको इतना अच्छे प्लेसमेंट तो नहीं मिलते हैं, पर मुझे IIT स्पेस जो कोचिंग है वहाँ से फिर एक ऑफर आया था, चूँकि मैं ऑलरेडी 3 साल पार्ट टाइम वहाँ पढ़ा चुका था, तो दे हैव सीन द वर्क, सो उन्होंने मुझे एक 12-13 लाख का सालाना पैकेज ऑफर किया था कि आप फुल फैकल्टी के रूप में यहाँ पे आ जाइए
और आपको 8 आवर्स पर डे के लेक्चर लेने हैं सोमवार से शनिवार तक, और संडे ऑफ रहेगा इंक्लूडिंग द डाउट सेशन। उसके बाद फिर मैंने वहाँ पे शुरू पढ़ाना शुरू किया फुल फ्लेज्ड तरीके से। अब इस दरमियान पढ़ाते पढ़ाते मुझे कहीं ना कहीं ऐसा फील हो रहा था कि काफ़ी मोनोटोनस हो रही है चीज़ें। और इसमें एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि जब मेरा प्लेसमेंट नहीं हुआ तब मैंने मम्मी से बात की थी, और मैं अपने पेरेंट्स में खासकर मदर से काफ़ी चीज़ें शेयर करता हूँ। तो उनसे मैंने ये शेयर किया था कि अभी यहाँ पर ऐसा है, प्लेसमेंट तो नहीं हो रहा है पर एक अपॉर्चुनिटी है पढ़ाने की। तो उन्होंने मुझे एक चीज़ कही थी जो मेरे दिमाग में अभी भी छपी हुई है कि यार तेरी इतनी बड़ी डिग्री है तो इस पे क्या तुझे कोई सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। और मैं उस टाइम थोड़ा सा चिढ़ सा गया था क्योंकि मेरा कभी गवर्नमेंट की तरफ रुझान था नहीं, गवर्नमेंट में नौकरी करने की तरफ। आप IIT और इन कॉलेजेस में जब जाते हैं तो आपको आप माइंड में यही रहता है कि आप MNC में प्लेस्ड होंगे और एक प्राइवेट जॉब कॉरपोरेट लाइफस्टाइल में जॉब करेंगे। तो लेकिन ये बात हुई, उसके बाद फिर मैंने थोड़ा सोचा, कंटम्पलेट हुआ एंड पता नहीं सम हाउ थिंग्स टर्न्ड अराउंड एंड आई वॉज नॉट लाइकिंग मुंबई दैट मच बिकॉज इट वॉज अ रश सिटी ऑल्सो। आई डिड नॉट हैव एनी टाइम ऑन माई हैंड, आई हैव टू रश इन द मॉर्निंग एट 7 o'clock टू गेट द लेक्चर फॉर 8 आवर्स। आई हैव टू रीच द ATM स्पेस कोचिंग एट 9 टू गेट द लेक्चर। सो बहुत फास्ट पेज लाइफ है, वहाँ पे सोचने का भी टाइम नहीं मिल पा रहा था कि अब आगे करना क्या है। IIT इज़ डन बट व्हाट्स नेक्स्ट। तब मैं इंदौर गया और चूँकि मम्मी जैसा बोल रहे थे कि 2000 आपकी डिग्री पे आपको कोई सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी क्या, तो उस टाइम उन्होंने मुझे एक SSC के बारे में बोला कि ये कोई एग्ज़ाम होती है, इसको एक बार दे के देखना। तब मैंने उनको हाँ बोल दिया फेस पे, पर मेरा ना मूड था ना कुछ था देने का, मुझे पता भी नहीं था फ्रेंकली कि SSC होता क्या। मैंने फार फ्रेश्ड सुना जरूर था कि ऐसी कुछ एग्ज़ाम होती है बट आई नेवर वॉन्टेड टू गिव, नेवर वॉन्टेड टू एक्सप्लोर इट। पर फिर मैंने कहीं लैपटॉप पे कभी बैठा था तो बैठ के सर्च किया कि हे क्या, चलो देखते हैं। तब मुझे पता चला कि इस टाइप की SSC एक एग्ज़ाम है, इससे आपको इस तरीके की पोस्ट मिलती है और इस तरीके का आपका वर्क प्रोफाइल या जॉब रहता है। तो पूछा कुछ लोगों से, वहाँ से मुझे स्टेट सर्विस के बारे में पता चला, स्टेट सर्विस के बारे में पता किया कि वो परीक्षा है क्या, कराई कैसे जाती है, कौन कराता है, क्या सब्जेक्ट्स हैं, काम कैसा है, उसमें पोस्ट क्या है। वहाँ से पता चला फिर UPSC के बारे में कि UPSC क्या है, किस तरीके से होती है, क्या सब्जेक्ट्स हैं नॉल। तो ये बात है आई थिंक 2014 की दिसंबर की। 2015 जनवरी आते आते फिर आई सेड कि माई मदर सेड कि यार ये एग्ज़ाम है और आप एक काम ये करो कि लीव एवरीथिंग, मतलब लीव एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ कि व्हाट इट ऑफर्स यू, यू जस्ट फोकस ऑन द सिलेबस एंड जस्ट रीड फॉर 1 month, दैट्स इट, यू कैन लीव इट आफ्टर 1 month। आप बुक्स ले आओ जो भी है और 1 महीने बस तैयारी करके देखो, अगर समझ में आती है चीज़ें तो ठीक है, नहीं तो डिग्री है उस पर कुछ ना कुछ जॉब तलाशेंगे। जनवरी 2015 को मैं कहूँगा कि मैंने UPSC सिविल सर्विसेज का अटेम्प्ट देने की तैयारी या प्रिपरेशन जो है माइंड मेकअप करके प्रॉपर तरीके से उस टाइम शुरू किया। अब उस टाइम एज सच व्हेन यू इनिशिएट इट, शुरू शुरू में आपको बहुत सारी चीज़ें पता नहीं होती है, टाइम टेबल बनाना भी आपको पता नहीं होता है। तो मेरा मोटो बस यही था कि एक ये बुक उठाते हैं लक्ष्मीकांत, इसको पहले फिनिश करते हैं, लेट जस्ट फिनिश इट इन अ इन 10 days, इन अ मंथ और सो, लेट जस्ट रीड वॉट एवर हैंड्स यू कैन ग्रैब ऑन। मैंने न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू किया, इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू। द हिंदू की बात जहाँ तक आती है तो आई कैन लिटरली टेल यू मुझे बिल्कुल नहीं समझ आता था द हिंदू, ठीक है, काफ़ी टाइम, एक सवा साल तक भी नहीं समझ में आया होगा। इंडियन एक्सप्रेस आई फील गुड, आई फील कम्फर्टेबल, इवन टूडे आई रीड इंडियन एक्सप्रेस रेगुलरली। तो आपको बेसिकली कोई एक न्यूज़पेपर पढ़ना होता है, तो मैंने वहाँ से शुरू किया जनवरी 2015 से धीरे धीरे। और घर में पढ़ाई मेरी अक्सर हो नहीं पाती, मतलब नवोदय के टाइम से ही या IIT के टाइम से ही मैंने घर में मैं अपना कॉन्सेंट्रेट कर नहीं पाता हूँ। तो सिविल्स के प्रिपरेशन के लिए मैंने घर से ही 2-3 किलोमीटर दूर एक छोटा सा वन अपार्टमेंट, वन रूम टाइप, 1 BHK टाइप रूम ले लिया था
बात ये थी कि आई वॉज नॉट प्रिपेयरिंग फुल टाइम, आई वॉज प्रिपेयरिंग पार्ट टाइम, मीनिंग दैट आई वॉज वर्किंग ऑल्सो. जब मैं मुंबई में था तो मैंने पेस वहाँ से छोड़ा ज़रूर था, बट इंदौर में मुझे फुल फ्लेज्ड जॉब मिल रहा था, बट मेरी क्वालिफिकेशन के अनुसार नहीं मिल रहा था. कहीं मिल रहा था तो कहीं पे उतना अमाउंट मंथली नहीं था. तो आई डिसाइडेड कि आई विल टीच ओनली. तो जहाँ से आईटी स्पेस में मुंबई में मैंने जॉब छोड़ा था, उन्होंने ही मुझे वापस से पार्ट टाइम ऑफर करा. और मैं दो दिन शनिवार रविवार को इंदौर से मुंबई ट्रैवल करके जाता था सिर्फ पढ़ाने के लिए, एंड आई वॉज बैक ऑन मंडे. तो बाकी चार दिन मंडे टू थर्सडे आई वॉज स्टडिंग ऑफ माई ओन फॉर सिविल सर्विसेज, एंड फ्राइडे सैटरडे संडे आई वॉज गोइंग टू मुंबई टेक लेक्चर एंड कमिंग बैक. सो दिस वॉज द रूटीन फॉर ऑलमोस्ट अ ईयर और 10 मंथ आई कैन से. 2015-16 की बात है ये. अब 2015 जनवरी से आपने शुरू किया था और जून में 2015 में प्रीलिम्स की एग्ज़ाम थी. तो आई हैड दैट वन गोल ओनली टू सस्टेन माई सेल्फ एंड टू गेट द एग्ज़ाम विथ एज मच एफर्ट एज यू कैन पुट इन. तो एग्ज़ाम जब मैं देने गया तो फर्स्टली आई कैन मतलब इट्स नॉट टू बोस्ट अबाउट इट बट आई कैन टेल यू विद एक्सपीरियंस दैट ऑब्जेक्टिव पेपर डिड नॉट फ्राइटन मी. Because I was used to giving objectives in IIT JEE as well. I had given many objectives and I had given many tests, more than 50 prelims tests beforehand also I had already given. So that paper itself didn't frighten me. I realized that it's doable. It's not impossible, it's tough, but it's doable. So you put in the regular effort and let's see where it goes. So June mein main exam deke जब आया था तो आई डोंट नो वेदर आई विल क्लियर इट और नॉट, सो आई लेफ्ट इट टू दैट. एंड उसके बाद मैंने कंटिन्यूसली आगे मेंस और उसकी तैयारी शुरू की, एंड अक्टूबर में आई थिंक रिजल्ट आया था. एंड व्हेन आई सर्च्ड इन कंट्रोल एफ प्रीलिम्स का जो रिजल्ट था, तो आई क्लियर इट अराउंड 9 or 10 इन द नाइट अक्टूबर में किसी तारीख को आया था 2015 में. तो आई फाउंड माई रोल नंबर ओवर देयर एंड आई वॉज वेरी हैप्पी. मैं उसी घर में था किराए के रूम में जो मैंने लिया था, एंड आई वॉज अलोन. मदर फादर तो अपने मेन वाले घर में थे. मैंने उनको पहले तो आई कुडंट बिलीव द स्क्रीन कि यार प्रीलिम्स में हो गया, इतना लोग बोलते हैं कि इतनी टफ है, ऐसा है वैसा है और हो नहीं पाता है. तो मुझे खुद में बहुत कॉन्फिडेंस आया, बहुत अच्छा भी लगा कि यार हो गया एटलीस्ट प्रीलिम्स. पहली बार में 6 महीने की तैयारी में आपका प्रीलिम्स हो रहा है, इट मीन्स कि एटलीस्ट यू आर ऑन अ राइट ट्रैक और एटलीस्ट यू हैव पुट सम एफर्ट एंड विच शोज. तो उस टाइम मैं एक पानी की बॉटल लेके बाहर गया था और मेरा गला भी इतना सूख रहा था, तो मैं जस्ट बैठ गया था वहाँ किराए के जहाँ घर में. मैं थोड़ा सा बाहर गया और ओटले पे शांति से टू लेट इट सिंक इन. एंड वहाँ से फिर आधे घंटे बाद मैंने मम्मी को कॉल करके बताया कि ऐसी ऐसी बात है और प्रीलिम्स हो गई है. तो देवर वेरी हैप्पी. उसके बाद फिर मेंस की तैयारी शुरू होती है. तो मेंस टू टेल यू फ्रेंकली मुझे मतलब राइटिंग वगैरह बिल्कुल उस टाइम नहीं पता था. 2015 की बात जब हम कर रहे हैं कि राइटिंग प्रैक्टिस करना है, तो आई वाज रीडिंग ओनली. दैट टाइम मेरा सिलेबस ही कंप्लीट नहीं था एंड मेंस का टाइम आ गया तो आधे क्वेश्चन मेंस में मैं छोड़ के आया था बिकॉज आई डिडंट नो, आई हैवंट रेड दैट. तो मेंस में ऑब्वियसली नहीं हुआ, बट स्टिल आई कुड गैदर 380 समथिंग मार्क्स इन मेंस. तो आई टोल्ड टू माई सेल्फ एंड जब मैंने मम्मी से डिस्कस किया कि यार ये मार्क्स इतने बुरे भी नहीं हैं, मतलब आई डिडंट क्रैक इट फॉर श्योर, बट मेरी प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग ये मार्क्स सही हैं, इसमें और एफर्ट डाला जाए तो वी कैन इंक्रीज फ्रॉम हियर. तो उस प्रिपरेशन से मुझे ये तो समझ में आ गया कि इट्स डूएबल. 2016 में भी मैंने तैयारी की, प्रीलिम्स निकाली, मेंस नहीं निकली, लेकिन मेंस के जब मार्क्स आए तब जो है मैंने फिर से देखा कि पहले 300 समथिंग मार्क्स थे, दिस टाइम आई वाज गेटिंग 500 समथिंग, 540 समथिंग आई थिंक. तो स्टिल द मार्क्स हैज इंक्रीज्ड, इट्स नॉट इट हैज़ नॉट क्रॉस द कट ऑफ लेवल बट इट हैज़ इंक्रीज्ड. तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था यार कि आप कुछ ना कुछ तो सही कर रहे हो, आप बिल्कुल ऐसा डाउनवर्ड स्पायरल में नहीं हो, आप कुछ ना कुछ सही कर रहे हो क्योंकि मार्क्स आपके बढ़ रहे हैं हर साल जो है. तब मैंने अपने आप से कहा, और इन दोनों सालों में मैं जो है प्रिपेयर प्रिपरेशन के साथ में ही
पढ़ा भी रहा था, मतलब मैं फुल फ्लेजेड तैयारी नहीं कर रहा था, आधा आधा अपना समय बांट रहा था। तब मैंने अपनी मम्मी से डिस्कस किया कि यार अब आगे क्या करना है, एक अटेम्प्ट फुल उस तरीके से देते हैं जितना हो सकता है डेडिकेशन के साथ, और पूरा समय तैयारी को देते हैं, काम उस समय नहीं करते हैं। तो 17 में भी कुछ ऐसा ही हुआ, 17 में प्रीलिम्स का अटेम्प्ट मैंने दिया, क्लियर हो गई। उसके बाद ऑप्शनल और मेंस की पर्टिकुलर तैयारी के लिए फिर मैं 2 महीने के लिए दिल्ली ज़रूर गया था 2017 में, ताकि मैं अपना ऑप्शनल पॉल साइंस कवर कर पाऊँ। और वहाँ मैंने लिटरली खूब टेस्ट लिखे हैं, मतलब आई कैन टेल यू आई रोट 3 टेस्ट इन अ सिंगल डे, 3 टेस्ट ऑफ मेंस, दैट इज 3x3 9 आवर्स ऑफ कंटिन्यूस राइटिंग इन वन डे। सो एसे प्लस GS प्लस पॉल साइंस ऑल टुगेदर आई रोट अराउंड 51 टेस्ट ऑफ मेंस इन 2 or 3 months। तो दैट थिंग आई कैन टेल यू विथ कन्विक्शन दैट हेल्प मी अलॉट। सो 2017 की अक्टूबर में दिल्ली में जब मैं था, तो वहाँ जो लैंडलॉर्ड है रेंट, उससे कुछ तो वहाँ पे झड़प वड़प हो ही जाती है आपकी, क्योंकि दे एक्सपेक्ट समथिंग, एंड उस तरीके से वो ना माहौल दे पा रहे थे। तो वहाँ से मैं आ गया, लेकिन उस टाइम तक मेरी प्रिपरेशन हो गई थी, मैं सेटिस्फाई था कि मैं टेस्ट लिख चुका हूँ, एंड नवंबर में आई थिंक एग्ज़ाम थी। तो वहाँ से मैं वापस इंदौर आ गया, कुछ जो बचे हुए 15 दिन थे नवंबर मीन्स के ठीक पहले, मैंने रिवीजन किया जितना जो टेस्ट लिखे थे उसके रिवीजन कर सकता था, एंड उसके बाद मैं मेंस देने गया। भोपाल में मेरी मेंस थी। तो 2017 की मेंस का लास्ट पॉल साइंस का पेपर दे के जब मैं शाम को आ रहा था 6 बजे, तब आई वॉज कंटेंट। आई कैन टेल यू द वर्ड, दैट इज़ द वन वर्ड आई कैन डिफाइन, कंटेंट। देयर वॉज नो होप, नो हैप्पीनेस, नो सैडनेस, नथिंग। आई सेड टू माई सेल्फ, आई वॉज द लास्ट पर्सन टू कम आउट ऑफ दैट स्कूल, माई एग्ज़ाम सेंटर इन भोपाल, एंड एग्ज़ाम सेंटर के ठीक बाहर एक चाय की दुकान थी, और वहाँ मैं बैठ गया ओटले पे, लिटरली ओटले पे बैठ गया, एंड आई सेड टू माई सेल्फ कि दिस इज़ इट, आई मीन आई हैव लिटरली गिवन एवरी थिंग, एंड लिटरली इसके बाद आई डोंट थिंक कि कुछ और मैं कर सकता हूँ, एंड देट वॉज द मोमेंट आई फॉर वन मोर डे आई थिंक आई स्पेंड द नाइट इन भोपाल, एंड देन द अदर डे आई केम टू इंदौर। तो मेंस दे के जब मैं वापस आया, तो उसके बाद तकरीबन 7-8 दिन का मैंने ब्रेक ले लिया था। मैंने कुछ उस टाइम ना न्यूज़पेपर पढ़ा, ना कोई न्यूज़ पढ़ी, ना अपनी किताबें पढ़ी, आई जस्ट वॉन्टेड पीस। तो 7-8 दिन के लिए मैं आइट साइड, यहाँ पर इंदौर में काफ़ी जगह है वो विज़िट कर रहा था। और उसके बाद में जब रिज़ल्ट आया जनवरी 2018 में आई थिंक मेंस का रिज़ल्ट आया था, आई फर्स्ट टाइम आई विजिटेड एंड आई फाउंड माई नेम ओवर देयर, दैट वॉज वेरी हैप्पी मोमेंट। आई जस्ट कुडंट बिलीव कि यार 3 साल कंटिन्यूसली देने के बाद आपने फाइनली मेंस जो है क्रैक कर लिए। तो आई लिटरली फेल्ट हैप्पी। मैंने कॉल किया और मम्मी को बताया कि हो गया है मेंस में, एंड उसके बाद एक फिर थोड़ा एक एंगजाइटी और एक फियर वापस से सिंक इन कर गया कि नाउ वॉट नेक्स्ट, क्योंकि अब आपको आप मेंस कर लेते हो, यू हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी एज वेल, क्योंकि 3,000 लोगों का मेंस में होता है आई थिंक उस टाइम में 2,500-3,000 का, एंड देन आपको इंटरव्यू देना है, तो अब उसकी क्या स्ट्रेटेजी बना जाए। तो फिर हमने डिसाइड किया मम्मी के साथ मिलके कि दिल्ली जाते हैं, वहाँ पे 1 महीना रहते हैं, और इंटरव्यू दे के जो भी मॉड्यूल है और मॉक इंटरव्यू दे के वापस आके शुरू करेंगे। उसके बाद इंटरव्यू डेट आई थिंक फरवरी में इंटरव्यू था मेरा, 18 या 19 फरवरी 2018 को आई गेव द इंटरव्यू। आई वॉज़ वेरी नर्वस फर्स्टली, प्रीवियस नाइट को मैं सोया भी नहीं था अच्छे से, कि क्योंकि नेक्स्ट डे आपका इंटरव्यू होता है, फर्स्ट टाइम आप दे रहे हो UPSC का इंटरव्यू, यू फील दैट कि हाउ विल इट गो, एंड देयर लॉट्स ऑफ एंग्जाइटी। पर मैं सुबह यूजुअली उठा 5, 5:30 बजे में उठ गया था, मैंने पेपर पढ़ा, उस दिन की जो न्यूज़ थी दिल्ली की लोकल न्यूज़ इंटरनेशनल न्यूज़ वो अच्छे से थॉरली पढ़ ली, अपने डैफ को एक बार देखा, वो करके मैं फिर इंटरव्यू देने के लिए गया। तो मेरा इंटरव्यू जो था सेकंड हाफ में था, फर्स्ट हाफ तक तो एक वापस से एंग्जाइटी बनी हुई थी, सेकेंड हाफ में जब मैंने बोर्ड में एंटर किया तो
फर्स्टली फॉर अ मोमेंट देयर इज अ कोट ना, देयर इज अ कोट बाय विल स्मिथ. विल स्मिथ स्काई डाइविंग के टाइम में एक कोट उसने बोला था कि द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम फियर, द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम रिस्क इज द बेस्ट पॉइंट एंड टर्निंग पॉइंट ऑफ योर लाइफ. आई थिंक दैट कोट, दैट लाइन ऑफ विल स्मिथ इनग्रेन्ड इन माई माइंड, एंड दैट वॉज द थिंग दैट हैपन्ड इन द इंटरव्यू बोर्ड. जस्ट राइट एट द मोमेंट ऑफ एंटरिंग द बोर्ड, यू आर वेरी नर्वस, यू आर वेरी अफ्रेड, एंड आई वॉज ऑल्सो. बट द मोमेंट आई एंटर्ड, ऑल द नर्वसनेस इट वॉज देयर, बट नॉट एट दैट अमाउंट, दैट लेवल. बोर्ड मेरा सुजाता मेहता मैडम का था, जो कि इंडियन फॉरेन सर्विस की ऑफिसर हैं, एंड मैडम बहुत ही ज़्यादा काम, कंपोज एंड बहुत अच्छे हैं. दे डोंट लेट यू फील कि दे आर वेरी सीनियर एंड एक्सपीरियंस टू यू. दे मेक दी द एटमोसफियर वेरी काम एंड कम्फर्टेबल फॉर यू, सो दैट योर रियल पर्सनैलिटी, योर ट्रू वैल्यूज़, योर ट्रू सेल्फ कम्स आउट. तो उस तर्ज पे मेरा इंटरव्यू शुरू हुआ. मुझे सबसे पहले, मुझे जैसा कि यूपीएससी बोर्ड में होता है कि एक फ़ोटो दिखाया, मुझे अपना फ़ोटो दिखाया कि आप आइडेंटिफाई कीजिए कि आप यही हैं, तो वो मैंने किया. उसके बाद मैडम ने कहा कि आप इंट्रोड्यूस करो अपने आप को, तो वहाँ से लेके चीज़ें शुरू हुई. मैंने इंट्रोड्यूस किया, उसमें मैंने कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की थी. तो जब मैडम ने पास ऑन किया नेक्स्ट मेंबर पे, तो उन मेंबर ने यही कहा कि इसी पे बात करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके, तो आप इसके बारे में बताइए. और जिन्होंने इंटरव्यू दिया है सुजाता मेहता मैडम के बोर्ड का, उनको पता है कि मैडम बहुत एक्सप्रेशन लेस रहते हैं थोड़े, मतलब यू कैन नेवर गेट आउट समथिंग आउट ऑफ देम कि वो उनको कैसा लग रहा है या कैसा जा रहा है इंटरव्यू. ऑल्सो मैडम चूँकि फॉरेन सर्विस के हैं, और मेरा पॉल साइंस ऑप्शनल ही था, इंटरनेशनल रिलेशन, तो मुझे था कि मैडम कुछ ऐसी सिक्सर वाली बॉल मुझे देंगे तो मैं बताऊंगा अच्छे से इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में. बट शी वॉज वेरी, आप कह सकते हैं कि शी वॉज वेरी पॉलिश्ड एंड एक्सपीरियंस. शी डिड नॉट आस्क मी एनी थिंग फ्रॉम इंटरनेशनल रिलेशन. शी डिड नॉट गिव मी एनी चांस कि मैं उसके बारे में कुछ भी बोलूँ. तो नो क्वेश्चन फ्रॉम पॉल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस फ्रॉम द वेरी ओन बोर्ड ऑफ सुजाता मेहता मैडम. तो इस तरीके से इंटरव्यू बहुत अच्छा, डिसेंट, गुड लेवल पे निकला. आई विल नॉट से बहुत अच्छा, मुझे 165 मार्क्स आए थे उसके बाद. पर मैंने जितने भी दोस्तों से बात की है, सभी के सुजाता मैडम के बोर्ड में इतने ही मार्क्स है, 160-165. इवन मुझे लगता है कि मेरे काफ़ी अच्छे मार्क्स है, क्योंकि लोगों को मैडम ने 140-135 मार्क्स भी दिए हैं. तो आई बिलीव कि इट वॉज डिसेंट, गुड लेवल ऑफ इंटरव्यू. मैं बाहर जैसे ही निकला, आई वॉज वेरी, अगेन वेरी नर्वस, और बहुत पसीने में था. फिर मैं थोड़ा कांप भी रहा था. मैं आई सेड, आप यूपीएससी अगर गए हैं तो आप देखेंगे कि बोर्ड मेंबर के बाहर कॉरिडोर है, लेफ्ट में अब वॉशरूम है. तो मैं सडनली फिर वॉशरूम की तरफ गया, जस्ट टू लुक एट द फेस, कि मैंने अपना वहाँ जाके चेहरा देखा. फिर तो इट वॉज पेल वाइट, एंड आई वॉज लाइक कि चलो डन, अब हो गया, कर दी तीनों चीज़ें. नाउ इट्स द ब्लैक बॉक्स, यू डोंट नो व्हाट्स कमिंग आउट, यू डोंट नो व्हाट else you can do, it's just done. Then I got to that room जहाँ पे सब लोग बैठते हैं, वहाँ पे यूपीएससी के कुछ कर्मचारी होते हैं. वहाँ से उनसे कुछ सिग्नेचर करवाना था, एक डॉक्यूमेंट, वो करवा के आई बुक अ कैब. आई टुक दैट ऑस्पिशियस फोटोग्राफ जो सब डालते हैं यूपीएससी की वॉल वाला, वो वैसे मैंने पहले भी ले लिया था जब मैं इंटरव्यू देने जा रहा था, बट टू इनग्रेव दैट मेमोरी फॉर एवर. एक बार और मैंने किसी को बोला था वहाँ पे साइड में खड़े थे, तो कि आप मेरा फ़ोटो ले लीजिए. तो मैंने एक दो फ़ोटो वहाँ क्लिक करवाए वॉल पे, और उसके बाद कैब बुक करके मैं वापस अपने घर आ गया था. तो इसके साथ ही इंटरव्यू देने के बाद आपको एक रश रहता है. तो एक सप्ताह तक मैंने अगेन कुछ ना न्यूज़ पढ़ी ना कुछ, आई वॉज जस्ट लेटिंग द टाइम गो, कि एक बार समय निकल जाए, थोड़ा सा नॉर्मल चीज़ें होगी तब शुरू करेंगे. तो फरवरी में इंटरव्यू के बाद में मार्च, अप्रैल, 25 अप्रैल को आई थिंक लास्ट इंटरव्यू थे, और 27 या 28 अप्रैल को डिस्टिंक्टली रिमेंबर रिजल्ट आया था. और उसी दिन सुबह से ही चल रहा था ये टेलीग्राम ग्रुप पे और कई जगहों पे कि आज रिज़ल्ट आना है. और मैं वापस अप्रैल में जो है इंदौर आ चुका था, मैं अपने घर पर ही बैठा था, और शाम 6:30 या 6 बजे के आसपास
सडनली माई फोन स्टार्टेड रिंगिंग सो मच, जितना पिछले 2 महीनों में मेरा फ़ोन साउंड नहीं किया होगा उतना उस शाम को बार बार घंटियाँ बजने लगी, 2, 4, 5, 8, 10, 12, 25, 30 कॉल उस दिन मुझको शाम को आए थे। एंड मुझको कहीं ना कहीं लग रहा था, तो पहला कॉल मेरे एक दोस्त का था, वो मैंने लिया, तो ही सेड की कॉन्ग्रेचुलेशन। मैंने कहा किस बात के लिए, तो वो मुझे कहने लगा कि यार तुम्हारा इसमें हो गया है और तो मतलब फाइनली यू हैव मेड इट टू द लिस्ट, पर मुझे बिलीव नहीं हुआ। तो उसको मैंने बोला तो मुझे एक बार लिस्ट भेज, आई विल चेक इट एंड देन मैं कॉल करता हूँ तुझे। फिर मैंने खुद से लिस्ट चेक की उसने जो भेजी थी, तो वो भी मुझे फिर भी वहाँ पे मोबाइल में डाउनलोड करके मिला नहीं। देन आई वेंट टू द ऑफिशियल साइट, आई डिडंट टेक एनी कॉल, नथिंग, आई जस्ट ओपन द लैपटॉप, आई चेक्ड इट ऑनलाइन, मैंने UPSC की फाइनल जो ऑथेंटिक है वो डाउनलोड की, देन अगेन कंट्रोल F मैंने अपना रोल नंबर डाला, एंड व्हेन आई एंटर्ड होल ऑफ माय बॉडी फ्रोज लाइक हेल कि दैट वाज देयर द नेम इन द होली लिस्ट एंड फाइनली इट्स डन। दैट वाज अ वेरी गुड मोमेंट, माय मदर वाज देयर एंड आई कैन स्टिल फील दैट वाइब्रेशन, आई कैन फील दैट दैट एनर्जी इनसाइड मी राइट नाउ कि व्हाट आई फेल्ट दैट टाइम, इट जस्ट इनएक्सप्लिकेबल, आपको मैं बयां नहीं कर सकता शब्दों में कि वो क्या फीलिंग थी। एंड टुडे आई थैंक इवन अनअकैडमी टीम की वो फीलिंग वापस से रिवाइव करी उन्होंने इस ऑफिसर्स ऑन ड्यूटी पूरे एपिसोड के थ्रू। माई बॉडी इज स्टिल वाइब्रेटिंग कि आफ्टर 2, 2.5, 3 years आई कैन लिव दैट वेरी फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड जो कि मैंने उस टाइम फील की थी। दैट वॉज 27 अप्रैल 2018 जब रिजल्ट आया था, एंड दैट टाइम आई हग्ड माई मदर एंड आई सेड कि चलो हो गया। शाम को जब रिजल्ट आया तो एवरीथिंग वॉज अ स्टैंड स्टिल, आई कैन जस्ट नॉट एक्सप्लेन यू, आई कैन नॉट टेल यू कि किस तरीके से उस समय को शब्दों में बयां किया जाए। और हम यूजुअली जब ऐसा कुछ होता है तो हम माँ बेटे की आदत है कि हम साथ में बैठ के चाय बनाते हैं और पीते हैं, तो उस टाइम भी मम्मी ने चाय बनाई, शाम को बैठे थे हम नीचे ही वहाँ बैठ गए थे फर्श पे और दोनों बस बात कर रहे थे कि किस तरीके से नवोदय से जर्नी स्टार्ट हुई थी, नवोदय से फिर IIT में, फिर IIT का जो स्ट्रगल रहा, एक पीरियड रहा, वहाँ से फिर सिविल्स के लिए जो तैयारी शुरू की थी जो स्ट्रगल रहा, और फाइनली फिर यू हैव मेड इट टू द लिस्ट। जिस दिन UPSC का रिजल्ट आया था आकाश बहुत एक्साइट थे, मैं भी बहुत एक्साइट थी, फिर हम लोगों ने चाय वगैरह बनाई, नीचे बैठे हम लोग चाय वगैरह पी, हम लोगों ने चर्चा की बहुत सारी पिछली जो जर्नी थी आकाश की, जो निरंतर प्रयास वाली जर्नी थी और बिना हिम्मत हारे जो वो करते रहे अपने प्रयास पर अटल रहता। आकाश के बारे में मैं एक चीज़ ये बोलना चाहूँगी कि आकाश कभी भी अपने प्रयासों से पीछे नहीं हटे, अपना प्रयास उन्होंने निरंतर जारी रखा। परिस्थितियाँ कितनी भी प्रतिकूल हो, उनको ये पता था कि मैं अगर प्रयास करूँगा तो मैं इन परिस्थितियों से उबर सकता हूँ, मेरा रिजल्ट जो होगा, परिणाम जो होगा वो बेहतर ही आएगा अगर मेरा प्रयास बहुत अच्छा होगा। तो ये रहा कि प्रयास हमेशा वो अच्छे से करते रहे, फिर ये था कि जो टारगेट रहता था उनका वो वर्तमान का ही रहता था, कभी उन्होंने बहुत भविष्य की चिंता नहीं की कि भविष्य में क्या होगा, वर्तमान में जो टारगेट रहते थे छोटे छोटे वो टारगेट लेकर वो चले, चाहे वो 9.5 साल के आकाश हों जो नवोदय की एग्जाम की तैयारी कर रहे हों उन्होंने उसी वक्त पे कंसंट्रेशन किया, चाहे वो 18 साल के आकाश हों जो IIT की तैयारी कर रहे हों या फिर वो UPSC की तैयारी करने वाले 22 साल के आकाश हों, उन्होंने उसी वक्त पे कंसंट्रेशन किया और प्रयास अपना भरपूर रखा। सो कहने को वो अभी एक कहानी की तरह लगता है, बट दैट लॉन्ग ईयर लॉन्ग पीरियड एवरी डे एवरी मिनट एवरी आवर आई थिंक इट्स वेरी क्लोज टू द हार्ट, इट्स वेरी क्लोज और बहुत ही एक अच्छी मेमोरी है, और इट गिव्स मी अ लॉट ऑफ मोटिवेशन, इट गिव्स मी अ हेल लॉट ऑफ मोटिवेशन टू स्टैंड स्टिल। चट्टान की तरह खड़े रहने का आपको एक शक्ति देती है ये चीज़ कि आपने कहाँ से शुरुआत करके कहाँ पे अभी आप हो, और देर इज़ स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो, और एक ऑर्डनरी
कैंडिडेट, एक ऑर्डिनरी मिडिल क्लास फैमिली से आए हुए कैंडिडेट, ही बेसिकली एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ इस तरीके का काम करते हैं। उसके बाद मैंने जब रिज़ल्ट देखा, फिर वापस से मेरे मन में कहीं ना कहीं था कि एक अटेम्प्ट तो देना है, क्योंकि अभी आपको सर्विस मनपसंद तो नहीं मिलेगी इस उस पर आपने अभी, देर इज़ स्टिल सम रूम वेयर यू कैन इम्प्रूव। तो प्रीलिम्स 18 या 19 दिन में थी एंड आई हैड टू प्रिपेयर, सो वापस मैं प्रिपरेशन में लग गया। प्रीलिम्स मैंने फिर से क्लियर की और मेंस मैंने दी, पर मेंस में अनफॉर्चुनेटली मेरा हो नहीं पाया। और 17 दिसंबर 2018 को मैंने NADT जो अकेडमी है नागपुर में, नेशनल अकेडमी ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस इनकम टैक्स के लिए, वो ज्वाइन कर ली थी इंडक्शन ट्रेनिंग के लिए। जस्ट अ स्मॉल मैसेज फॉर ऑल दोज एस्पिरेंट्स लाइक मी दैट आई वॉज फ्यू ईयर्स अगो, कि हिम्मत मत हारो, करते रहो, कभी ना कभी कहीं ना कहीं इफ़ यू आर परसिस्टेंट तो सक्सेस तो लिखी है आपके हाथ में। यू जस्ट नेवर नेवर गिव अप, डोंट एवर गिव अप, स्टार्ट स्मॉल, सिंपल कंसिस्टेंसी इज पार्ट ऑफ करेज आई थिंक, एंड बी वेरी कंसिस्टेंट विथ वॉट एवर यू डू। तो इसी के साथ आई विश ऑल द बेस्ट, आई विश वेरी बेस्ट, वर्क हार्ड, वर्क फॉर योर सेल्फ एंड डोंट एवर गिव अप, इवन इफ यू आर फेलिंग डोंट गिव अप। आकाश के सतत प्रयासों ने यह तो निश्चित कर दिया था कि आप अगर प्रयास करेंगे भरपूर तरीके से, मन में पूरी निष्ठा रखकर, तो परिणाम आपका अच्छा आना ही है। पर फैलाएंगे परिंदे, अभी उड़ान बाकी है, एक कोना दिखा है अभी, आसमान पूरा बाकी है, लो जलाई है तुमने अखंड, अभी मशाल बाकी है, लो जलाई है तुमने अखंड, अभी मशाल बाकी है, स्वीकारो अभिनंदन हमारा, अभी मिसाल बाकी है, स्वीकारो अभिनंदन हमारा, अभी मिसाल बाकी है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, विश यू ऑल द बेस्ट।